उज्जैन जिले में लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायत मिलने के बाद उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत गुम हुए 53 मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्जैन पुलिस कप्तान और सिटी एडिशनल SP उमेंद्र सिंह के द्वारा मोबाइल धारकों को वितरित किए गए। आगे उन्होंने बताया कि अभियान चलाया जा रहा है जो कि निरंतर चलता रहेगा। जब्त किए गए सभी मोबाइल शहर के सभी थाना क्षेत्रों के लोगों को वितरित किए गए। तहलका इंडिया न्यूज के लिए उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट। लगभग जो डेली ही कुछ न कुछ इस तरह की शिकायतें, चाहे वो थाना स्तर पे हो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हो या हमारे साइबर सेल में हो, इस तरह की आती थी कि जिनके मोबाइल गुम जाते थे या गिर जाते थे, वो काफ़ी संख्या में लंबित थे। तो हमने जनवरी में एक स्पेशल ड्राइव शुरू की थी जिसमें आप लोगों को ध्यान होगा उस समय भी हमने 47 मोबाइल रिकवर किए थे। उसी अनुक्रम में आज हमने 53 मोबाइल और रिकवर किए हैं जिनकी कीमत 7.5 लाख के आसपास की है, और हमारे पास और भी अभी आवेदन लंबित है जिस पर हमारी टीम काम कर रही है। इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम साइबर टीम सेल की लगाई गई है जो लगातार इस पर काम कर रही है। कोशिश करेंगे कि और भी इस तरह के मामले रिकवर होकर आए। निश्चित तौर पर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और अच्छी रिकवरी की है, इसमें पुलिस को उनकी जो टीम है उसको पुरस्कृत किया जाए।